तो गाइस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं या जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अरस्तु को। अगला आता है क्वेश्चन कि चिकित्सा विज्ञान का जनक या कह सकते हैं पिता किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान का जो पिता है वो कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके मैं आगे के और पार्ट बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला देखिए कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन काफ़ी रेलवे ग्रुप डी में रिपीट हुआ है। अगला सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइको प्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। ओके और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग जो पीला क्यों पड़ जाता है। तो देखिए पत्तियों का रंग जो पीला होता है उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है इसीलिए पत्तियों का रंग जो होता है पीला पड़ जाता है। अगला है फलों के छिलके एवं फूलों में क्या पाया जाता है। तो देखिए फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णीय लवक पाए जाते हैं या क्रोमोप्लास्ट कह सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगला आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन बनता है। तो आत्महत्या की थैली हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को। ओके नेक्स्ट बनता है कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है। तो देखिए राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ओके नेक्स्ट है केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो डीएनए एवं प्रोटीन के। डीएनए का आपको फुल फॉर्म पता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके नेक्स्ट है केंद्रक में गुणसूत्र जो होते हैं गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। ओके केंद्रक में डीएनए एवं आरएनए रहता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में 23 जोड़े या कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला है डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। ओके नेक्स्ट बनता है कि कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। ओके कोशिका का जब विभाजन होता है तो जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जीवों में वृद्धि एवं विकास कैसे होता है। तो देखिए समसूत्री विभाजन होता है उसी कारण जीवों में वृद्धि विकास होता है। अगला कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है कोशिका जिसको कहते हैं सेल। नेक्स्ट बनता है कि मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं, 5000 अरब सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो देखिए गुणसूत्र की जो खोज की थी वो की थी बाल्डेयर ने। नेक्स्ट है जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था जोहानसन ने। नेक्स्ट बनता है सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी कोशिकांग जो होती है वो होती है राइबोसोम। नेक्स्ट है आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड का जो प्रमुख मेन कार्य होता है, मेन वर्क होता है, वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ओके अगला डीएनए से आरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं। तो डीएनए से देखिए डीएनए एक है और डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनने में क्या कहते हैं, प्रोटीन क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ओके नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए शैवालों का अध्ययन जो कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन बनता है कि आवृत बीजी पौधा पाया होता है जिसके बीज में आवरण पाया जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन सा बीज होता है जिसमें आवरण पाया जाता है, तो वो होता है आवृत बीजी पौधा। नेक्स्ट है शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स अकार्बनिक पदार्थ विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा आवृत बीजी पादप जो है लेमना है।
और सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो वो हो जाएगा बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा? रेफलेसिया। और सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? तो देखिए विक्टोरिया रिजिया, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया। और सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो देखिए आर्किड होता है सबसे छोटा बीज, ये भी रेलवे ग्रुप डी में कई बार रिपीट हुआ है। अगला सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? तो देखिए सबसे बड़ा बीज होता है लेडोसिया। और सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो अनावृत बीजी पादप है वो हो जाएगा जैमिया पिगमिया। ओके नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ग्लैंड जो होती है सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर में पाई जाती है वो होती है यकृत, जिसको कहते हैं लीवर। और मनुष्य में ब्रक फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है दो। ओके कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितने लीटर मूत्र का त्याग करता है? तो यह कह सकते हैं एक दिन में मनुष्य जो होता है कितने लीटर मूत्र का त्याग करता है? तो 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। अगला, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में टोटल 206 अस्थियाँ होती हैं। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो टोटल 8 होती है। नेक्स्ट बनता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि पाई जाती है कान में। नेक्स्ट है, हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो देखिए हार्मोन का जो कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, जो जितनी भी शरीर में केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है हार्मोन। अगला, पीयूष ग्रंथि को और क्या कहते हैं? तो देखिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड ग्रंथि भी कहते हैं। अगला, मेडुला ग्रंथि जो होती है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ओके जैसे कि आपके कोई जगह कट जाता है तो खून बहता रहता है, तो खून रुक जो रोकता है उसे मेडुला ग्रंथि रोकता है। ओके नेक्स्ट है, इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वो होता है अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो होता है वो थायरॉक्सिन होता है। नेक्स्ट है, ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, तो वो क्या कहलाता है? अनावृत बीजी। नेक्स्ट बनता है कि साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए साग सब्जी का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ओलेरिन कल्चर। और टमाटर का रंग पकने पर जो लाल हो जाता है तो वो क्यों होता है लाल रंग? टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो वो देखिए लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। और संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो देखिए संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। अगला है, शरीर के सबसे कठोर तत्व तो कौन सा होता है? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो दांतों के ऊपर जो इनेमल पाया जाता है वो होता है। अगला है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो देखिए केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला, माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए माइटोकांड्रिया को कहते हैं ऊर्जा ग्रह, या कह सकते हैं पावर हाउस। अगला, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करके देख सकते हैं, डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल। अगला, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो संपूर्ण शरीर में रक्त का जो परिसंचरण करता है वो हार्ट करता है, जिसे कहते हैं हृदय। अगला, एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त होता है, या कह सकते हैं खून होता है, ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर खून होता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण जो गोलाकार होते हैं, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण होते हैं, आरबीसी जिन्हें कहते हैं। अगला, लाल रक्त कण जिसको कहते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन, 120 डेज। अगला, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लाल रक्त कण का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी जिसको कहते हैं और WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला, प्लीहा या को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्लीहा को।
नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना, जो रोगाणु होते हैं बाहर से उनका हनन करता है WBC। और WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल जो होता है वो होता है 2 से 4 दिन होता है। और मनुष्य के शरीर की मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब 72 बार प्रति मिनट। अगला, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितना होता है? 7%। अगला, एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकेंड लगाता है। ओके, नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो देखिए रक्त समूह की जो खोज की थी 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। अगला, मनुष्य में कितने रक्त समूह होते हैं? तो देखिए मनुष्य में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जिसको रक्त समूह कहते हैं, वो होते हैं ए बी और ओ। इस पर मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है रक्त समूह पर, ब्लड ग्रुप पर, अगर नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। ओके, अगला रक्त समूह ए बी सर्वग्राही यूनिवर्सल डो ब्लड रेसिपेंट क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। और रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता, या कह सकते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर। नेक्स्ट होता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। अगर आपका पीएच मान 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्लीय, अगर बीच में है तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर कितना होता है? तो देखिए पारे पर 120/80 mm होता है। और श्वसन में शर्करा जो होती है शोषा का श्वसन जब लेते हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया जब होती है तो शर्करा जिसको कहते हैं ग्लूकोज, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र करता है जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। अगला, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो देखिए पाचन की क्रिया जो स्टार्ट होती है वो मुख से स्टार्ट होती है। अगला, पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण कौन करता है? देखिए कहाँ से होता है? तो देखिए छोटी आंत में होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? तो मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। ओके, नेक्स्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या करता है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करते हैं। अगला, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना जल होता है? 65 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों XY के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। ओके, ना कि स्त्रियों के XX के क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो आयोडीन होती है। अगला, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए 310 केल्विन होता है। अगला, अल्प एवं असंतुलित भोजन में असंतुलित भोजन से अगर अल्प थोड़ा भोजन करते हैं, असंतुलित भोजन करते हैं, तो क्या होता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है व्यक्ति। नेक्स्ट बनता है कि मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 22 प्रकार के। तो देखिए दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए दूध में पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम जिसको कहते हैं CA, एवं पोटेशियम जिसको कहते हैं K। अगला, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन ग्लोबिन मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है? रक्त में। अगला, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है आधी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए ऑक्सीजन की कमी से रोग जो होता है हाइपो एक्जिमा नामक रोग हो जाता है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो देखिए नर्वस सिस्टम की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की? तो न्यूरॉन हो जाएगी। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक। अगला, ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डबल रोटी को बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला, भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिली थी? तो देखिए भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट मिली थी 1986 में। अगला, मानव के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। अगला, मानव शरीर में करीब कितने बाल होते हैं? तो लगभग 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 अप्रॉक्सीमेट 50 लाख बाल होते हैं। अगला, सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो देखिए विक्टोरिया रिजिया। अगला, भारत में प्रथम प्रक्रनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। और भारत के प्रथम प्रक्रनली शिशु का नाम क्या था? इंदिरा। अगला, एक्यूपंचर माने मानव शरीर के
अंगों में सुई चुबोकर इलाज करने की चीनी विधि है एक्यूपंचर। नेक्स्ट है मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। अगला है राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ये दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो लीची का जो देखिए एरिल भाग होता है वो खाया जाता है। अगला निषेचन के बाद जो बीज होते हैं वो बीजांड से बनता है। नेक्स्ट है सत्य फल जो होता है अंडाशय से उत्पन्न होता है और जल का जो संवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज जो की थी 1892 में इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट बनता है कि पोलियो का टीका की खोज किसने की थी, तो देखिए सबसे पहले खोज की थी जॉन साल्क ने तैयार किया था पोलियो का टीका। अगला है मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अगला होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला होम्योपैथी के जनक कौन है, तो देखिए होम्योपैथी के जो जनक हैं सैमुअल हैनीमैन है। अगला हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रथम प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स किस क्या थी, तो वो होती पेनिसिलिन। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है साइकस एक क्या है, तो साइकस एक जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट बनता है कि सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है, तो देखिए सबसे बड़ा बीजांड जो होता है साइकस में होता है। ओके नेक्स्ट है तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग में किया जाता है, तना काट का जो प्रयोग किया जाता है गन्ना के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मैंगो या कह सकते हैं आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है तम्बाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो तम्बाकू की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जो देखिए क्या पाया जाता है निकोटीन। अगला उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था ह्यूगो डेब्रेज ने दिया था। अगला विकास के सिद्धांत को किसने दिया था, तो विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लैमार्क ने। अगला SARS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप देखिए ये होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके अगला SARS क्या है, तो देखिए विषाणु जनित रोग होता है। अगला है आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आंसू कहाँ से स्रावित होता है, लैक्रिमल ग्रंथि से। अगला मानव शरीर के त्वचा पर कितने प्रकार के ईस्ट पाए जाते हैं, देखिए तीन किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं, तीन किस्म के। ओके अगला मानव में रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मानव में रुधिर की उत्पत्ति होती है भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। नेक्स्ट बनता है हमारा क्वेश्चन कि मानव शरीर में टोटल कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, तो 24 तत्व पाए जाते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो होता है सबसे अधिक होता है, जिसकी मात्रा होती है 63%। अगला है रक्त में घुला कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो रक्त में कैल्शियम जो होता है घुला होता है कैल्शियम वो मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। अगला गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो गुर्दे होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। अगला मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती कौन सी है, तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला है लास्ट क्वेश्चन विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ओके तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो चाहिएगा, अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताएं, तो अगला पार्ट में मैं और क्वेश्चन ऐड करूंगा बायोलॉजी के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को ही पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक, कुछ क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं बायोलॉजी में। ओके तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।